अवेंजर्स के लास्ट पार्ट इन गेम माना जा रहा था जिस तरह से, तो आपको ये मूवी कैसी लगी? पिक्चर में तो काफ़ी जोर है मेरे हिसाब से, जो पिक्चर है उस यंगस्टर्स के लिए है केवल, और यंगस्टर का जिस तरह का इसमें जोश है देखने को मिल रहा है, आई डोंट थिंक कि ये एंड गेम होगा, मे बी इसका कुछ और पार्ट्स आने चाहिए। और लास्ट मूवी इन्फिनिटी वॉर थी, उसमें कई तरह के लोगों की राय थे कि शायद इसमें सुपर हीरो की एंट्रीज हो, कई सारे सुपर हीरो। हाँ, उस हिसाब से तो सुपर हीरो को लेकर के अगर जो पिक्चरें बनती हैं, जो आजकल सुपर हीरोज का क्रेज़ बढ़ा हुआ है, इसमें तो लगता है जैसे सारे सुपर हीरोज को एक साथ करके एक उस पर टेबल पे ला करके वो खड़ा कर दिया गया, तो पिक्चर उसके हिसाब से जो जैसा लोग देखना चाह रहे थे उस हिसाब से पिक्चर पूरी। और जैसे कि इस मूवी को लेकर कितने क्रेज थे कि इनके टिकट्स भी बुक नहीं हो पा रहे थे और काफ़ी मुश्किल से, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं था कि कभी कि इसके टिकट्स नहीं बिकेंगे, बल्कि हमारा बुकिंग विंडो काफ़ी देर से खुला है और इसके पहले जिनके बुकिंग्स खुल चुके थे, ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी, ऑलरेडी बुक थे, हमारे तो खुलने के एक घंटा के बाद ऑनलाइन तो सारा ख़त्म ही हो चुका था और टिकट विंडो ऑनलाइन के एक घंटे के बाद खुला था, और आज भी जब मैंने शेड्यूल लिया है तो इसमें करीब मंडे तक हाउसफुल है। और आप इस मूवी को कितने रेट्स देना चाहेंगे? अगर रेटिंग की बात है कि अगर आपका न्यूमरिक वर्ड 10 है तो आउट ऑफ 10 इज 10। थैंक यू सर सो मच। ये मूवी देखने के लिए आई है, हाँ, तो आप इसके बारे में इतना क्रेज था तो आप ये क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये लास्ट पार्ट है तो एक्साइटेड तो है इसके लिए, आई होप अच्छा हो। जिस तरह से इसके टिकट्स नहीं मिल रहे थे, ऑनलाइन बुकिंग में भी बहुत ज़्यादा लेट्स हो रहे थे। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, दो दिन पहले आने पे भी मंडे तक तीन तीन दिन तक फुल था, यानी अब आपके ये सपने पूरे होने वाले हैं। हाँ, फाइनली देखेंगे। थैंक यू। आपको भी टिकट्स काफ़ी मुश्किलों से मिल रही से मिली है, बताया सारे टिकट्स फुल हैं, हमको तो तीन का टिकट बुक हुआ है। और एंड गेम का जहाँ तक बात है कि ये मूवी एंड नहीं होने वाली, इसके बाद भी दो तीन पार्ट और आने वाला है, क्योंकि ये मार्वल सीरीज है तो आप सब जान ही रहे हैं मार्वल सीरीज कभी एंड होने वाला नहीं है, और इसमें न्यू कैरेक्टर भी ऐड हुए, और सबसे दमदार कैरेक्टर, सबसे हार्ड बोलो कैरेक्टर तो कैप्टन मार्वल है, और कई सुपर हीरोज के एंट्रीज आने वाले थे। जी, बहुत एक्साइटेड है कि कौन है वो सुपर हीरो जो एंट्री आने वाले, लेकिन वो सुपर हीरो काफ़ी पावरफुल होने वाले हैं पहले वाले सुपर हीरो से, ये तो आप समझ सकती हैं। यानी आपको इस मूवी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत सालों से कि एंड गेम कब आने वाला, इन्फिनिटी वॉर जब एंड हुआ था उसके बाद से ही वेट करें कि एंड गेम कब आने वाला, फिर कैप्टन मार्वल आया, और ये मूवी जब तक पूरी सीरीज से ना देखा जाए तो मतलब समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम एक एक पार्ट के सबके मूवी देख चुके हैं, हम सबके फ़ैन हैं। और ये मतलब आप लोगों को क्या क्या ये मूवी एकदम देखना ही चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड गेम एक ऐसा मूवी है, बहुत एक्साइटमेंट है इसमें, और बहुत ही मतलब कि फैंटास्टिक है, बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, और इसमें कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। थैंक यू थैंक यू।